किसको चुना था? कैसी औरत थी? हाँ बुरी औरत। कैसी औरत थी? मैंने अभी कहा खुदा पे चाहो बुरा हो सकता है। नो, बाइबल कहती है वो बुरी औरत थी। और जब पानी भरने के लिए आई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा मुझे भी पिला पानी। उसने कहा पानी तो मैं पिला दू मगर तू यहूदी है कैसे पहचानू? ना बस सबको पता है और तुम्हारा हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम सामरी, तुम यहूदी हो तो हम किसी को उसने यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती मेरी बहन मैं आपको बताना चाहूँ आप जाने अगर तू जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुझे ऐसा पानी देता कि दोबारा तुम पानी भरने के लिए आती। उसने कहा मैं तो ये पानी लेना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे वो पानी दे कि मैं दोबारा पानी भरने रहा हूँ। ये सुनने के जब अपने शोर को बुला रहा शोर को बुला अब ये सुनसी खोलने लगे सारी याद। उसने कहा मैं तो बेशोर हूँ अब जो पानी क्या तो चल जाएगा पानी को क्या पता। एक फैमिली मेरे पास आई काफी पुरानी बात है उस वक्त कलकत्ते झूठे नहीं खाए थे इतना तजर्बा नहीं था खिदमत में जब आया 20-25 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा मुझे वो लेटर ऑफ फ्रीडम तो बना दे। नहीं नहीं आते नहीं बात है। मैंने कहा ठीक है ये लड़का हमारा। मैंने कहा कुमार है? हाँ जी कुमार है। अच्छा मैंने लेटर बना के दे दिया। शादी हो गई निकाह हो गया काफी सालों के बाद मुझे पता चला वो लड़का शादी शुदा था। तो पादरी को तो धोखा दे सकते हो करते हैं लोग पादरी को धोखा दे सकते हो मगर खुदावंद यीशु मसीह को कौन धोखा देगा। उसने कहा आज आपने सुन लिया मैं तो बेजोर हूँ आज तुमने ठीक कहा जिसके साथ तो अब है वो तेरा शोर तो है इट इज नॉट मगर पांच तो कर चुके। जब यीशु मसीह ने सारा किस्सा कहानी बताया ना तो फिर औरत ने क्या किया? उसने कहा मुझे लगता है अब इस बात को जानिएगा मुझे लगता है ऐसी औरत जो इनफेमस जिसके किरदार ठीक नहीं था जो छुप छुप कर रहती थी। और आपको पता है वो पानी भरने सबसे आखिर में क्यों आई? क्योंकि सुबह सवेरे सारी शरीफ औरतें पानी भरने आती थी और जब सब भर लेती थी उसके बाद वो आती थी तो सबसे बाद में आई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके दिल के हाल उसे बता दिए उससे पहले किसी प्रीस्ट ने उसको नहीं बताया उससे पहले किसी पादरी ने उसको नहीं बताया इससे पहले किसी काइन ने उसको नहीं बताया मगर जब वो यीशु मसीह से मिली तो उसने कहा मुझे लगता है आप नबी है। हालेलुया तो फिर इसको कबूल करेंगे। उसने अपना गला वही फेंका ये गला क्या है ये खुदी है ये घमंड है ये अकल है ये ओहदा है ये स्टेटस है ये अपनी अना है ये अपनी दौलत है इसको फेंकना है। अगर यीशु की खिदमत करनी है यीशु से कहा तुम दो मालकों की खिदमत बाइबल पढ़ के देखें वो वहां पर कई गांव के अंदर और गांव के अंदर जाकर उसने गवाही दी। क्या दी? मनादी नहीं की बप दुश्मे नहीं दिए जनाजे नहीं किए निकाह नहीं किए कलाम नहीं सुनाया जाकर बाइबल में तो लिखा है। मैं अपनी जुबान नहीं बोल रहा मैं बाइबल की जुबान आप अल्लाह की जिन चौथा बाप पढ़ता है। उसने क्या की गवाही बहनों आपकी गवाही इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग खुद ही खींचे चलते देखना चाहते हैं आप भी पास्टर अरशाद के चर्च जाना चाहते हैं कहां से आप ऐसी बातें सीखती हैं कहां से आपको ऐसा कलाम मिलता है कहां से आपको ये वेद मिलते हैं लोगों को खींच के। हालेलुया पूरा गांव आ गया यहाँ पर तो एक बहन एक भाई दूसरे बहन भाई को नहीं ला सका। इसका मतलब है गवाही में कम नहीं हमारा अपना बाबा बहन भाई रिश्तेदार एग्री नहीं है पड़ोसी एग्री नहीं है तो गवाही में कम उसकी गवाही में क्यों कम था? क्योंकि वो खुदा का चुनाव था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने जिंदगी में जितने भी गुनाह किए थे किसी ने बताया ही नहीं था और जब खुदावन यीशु मसीह ने उसको बता दिया उसी दिन उसने कबूल कर लिया ये है खुदा के
चुनाव की निशानी से कोई आदमी दिया, कोई बहस की कुछ भी नहीं, ये नहीं। पहले मैं पादरी के पास जाऊंगी, अपने अपने मिशन के पास जाऊंगी, अपने बिशप के पास जाऊंगी। उसने कहा नो सर, आप मुझे बिशपों से पादरियों से तस्दीक कराने की जरूरत नहीं, कलाम खुद मेरे पास आ गया है। उसका चुनाव गलत नहीं होता है, उसका चुनाव हमेशा कलाम पर आमीन कहता है।